नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया था। अंबेडकर जयंती को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और इसे समाज से मिटाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा उत्पीड़ितों के साथ खड़े रहे और महिलाओं, मजदूरों और अछूतों के जीवन के उत्थान के लिए काम किया। एक प्रखर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और प्रभावशाली वक्ता होने के साथ डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक विज्ञान, कानून और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों के विद्वान थे। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुक्रवार को 132वीं जयंती मनाई गई। सरकारी कार्यालयों से लेकर विभिन्न संस्थाओं और राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उनके कार्य को याद करते हुए कहा गया कि वो हमेशा अन्याय, अत्याचार और सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनका मानना था कि सामाजिक कुप्रथा को दूर करके ही देश का विकास किया जा सकता है। उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प भी लिया गया। आज बाबा साहब की जयंती पे मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और संविधान के इस रचयिता की वजह से ही हमारे समाज में सभी को समान अधिकार से जीने का जो एक मौका मिला है वो बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत ही मिला है, जिसमें मूल रूप से सभी को समान अधिकार मिला हुआ है जीने का। तो मैं इन संविधान के जो जनकदाता हैं या जो निर्माता हैं उनको मैं फिर से नमन करते हुए ज्ञानपुर के समस्त नगरवासियों को धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद। आज हम लोग सभी सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़ा संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाया है और उस संविधान से ही हमारा देश चलता है। ऐसे महान विभूति को आज हम लोग जो है उनके जयंती पर नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब के विचारों को हम लोग गांव-गांव और जनता के बीच में ले जाएं, क्योंकि उनके वजह से हम लोगों को बोलने का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है और जीने का अधिकार मिला है। ऐसे महान को मैं सभी लोगों ने जो है उनको जयंती पर कोट कोट नमन करता हूँ। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।